मैलालोमा से पब्लिक चैनल से। दोस्तों जो श्रीलंका के अंदर घटना हुई है, 8 धमाके हुए हैं एक के बाद, ये बहुत दुख भरी खबर है। और ये जो धमाका हुआ है, ये इसकी जिम्मेदारी किसने ली है, क्या नहीं ली है, अभी तक कुछ पता नहीं है। दूसरी चीज है कि ये चर्च के अंदर हुई है, जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, उनका कुछ त्यौहार था चर्च के अंदर, वो कुछ दुआ मांग रहे थे अपने। और ये घटना मतलब जो हुई है, ये बहुत दिल दहला देने वाली है। किसी ने अपने बेटे को खो दिया, किसी ने अपने बाप को खो दिया, किसी ने अपने बच्चों को खो दिया है। दूसरी चीज है ये है कि ये दुनिया में कब तक चलते रहेगी, एक के बाद एक घटना जो ये होती है, ये राजनीतिक लोगों से जुड़ी हुई है या क्या चीज है, ये कुछ आज तक कहा नहीं जा रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी मतलब एक शर्मनाक घटना है, एक कायरेपन घटना, जो एक अपना जो बाजी हार जाते हैं ऐसे लोग जो है ये मतलब ये घटना करवाते हैं, इससे इनको क्या मिलता है आज तक मुझे समझ में नहीं आया है ये चीज। और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंसानियत का एक गला घोटने के जैसा है। और ये जो यहाँ श्रीलंका में हुआ है, सारी दुनिया दहल गई है, सारे लोग अफसोस कर रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था पुलवामा के अंदर ये हमला हुआ था, हमारे 40-42 जवान मर गए थे, शहीद हो गए थे, वो आप श्रीलंका में हो रहा है। तो ये खूनी खेल कब तक खेला जाएगा, ये इसका जिम्मेदार कौन है? मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।